हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब फैमिली पर स्वागत है। गाइस आज की लेक्चर में हम लोग किसी टॉपिक की बात नहीं करने वाले प्यारे बच्चों। आज की क्लास में हम लोग जो है जो विगत वर्ष अर्थात जो पिछले वर्षों में एग्जाम हुआ था, जो सेट आए थे एग्जाम के, जो पेपर के जो सेट आए थे, आज उसी उन्हीं पेपर को हम लोग सॉल्व करने वाले प्यारे बच्चों। और उन पेपर में जो है अर्थात हम कह लें कि जो 2022 में यूपी बोर्ड का जो एग्जाम हुआ था, वो उनके जो सेट हैं पेपर की जो सेट हैं उन्हीं को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्यारे बच्चों। परंतु आज हम उन्हीं के और प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, या तो पिछले साल जो एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं सब क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे आज हम लोग। और वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट रहने वाली, क्योंकि एक एक नंबर के क्वेश्चन में काफी ज्यादा टाइम नहीं लगता प्यारे बच्चों, और वो भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नया आए होंगे तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, और साथ में इस वीडियो को कम से कम अधिक से ज्यादा कम से कम उन सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चों जो दोस्त आपके काफी करीब है। चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइज आज का जो पेपर रहने वाला, जो आज का सेट है वो सेट वन है, और 2022 का ये सेट लिया गया है प्यारे बच्चों। और जो एग्जाम जो पेपर का कोड है वो है 346 GA, अर्थात 346 GA पेपर का कोड है भैया, 346 GA। और आज हम इनमें जो पूछे गए जितने एक एक नंबर वाले प्रश्न है प्यारे बच्चों, सभी को तोड़ेंगे और आपको भी बताएंगे कैसे एग्जाम में इनको तोड़ना है, कैसे आपको इनको क्रैक करना है। सभी बच्चों का ये मानना होता है कि एक नंबर के प्रश्न सर जी कहाँ से पूछ लिए जाते हो, पढ़ाए नहीं जाते प्यारे बच्चों। ऐसा बात नहीं, पढ़ाया गया रहता है, परंतु आप लोग उसको कवर नहीं कर पाते। आज हम उनको देखेंगे कि कहां से आते। तो आपको स्क्रीन पे सबसे पहला प्रश्न इस समय दिखाई पड़ रहा होगा। इमेजिन कीजिएगा कि आप भी अगर पिछले सत्र एग्जामिनेशन में बैठे होते, आप भी एग्जाम दे रहे होते, तो क्या इन सवालों को आप सॉल्व कर सकते थे? चलिए आप देखते हैं। पहला सवाल आपको दिखाई पड़ रहा होगा, हम भी पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है प्यारे बच्चों, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा I=I0 sin ωt - π/2 प्रवाहित हो रही है। परिपथ के सिरों के बीच जो विभव है वो E=E0 sin ωt लगाया जाता है, परिपथ में व्यय शक्ति होगी। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन आपको यहां चार दिए हैं, अब देखते हैं इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है। और जिनको पता है वो वीडियो को पॉज करके इस सवाल को आप जरूर लगाइएगा, और नहीं पता है तो वीडियो को देखिए क्या कह रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, आपको स्क्रीन पे चारों ऑप्शन भी दिखाई पड़ रहे होंगे। आपको जो समीकरण दिया गया है वो समीकरण हम लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हल करते हैं। I=दिया है I0 sin ωt - π/2, ये I के लिए इक्वेशन दिया है। फिर उसके बाद जो विभव है, विभव कौन है, E=E0 sin ωt। E0 sin ωt यही आपको दिया गया है प्यारे बच्चों। और ये फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है, यानी इनमें आपको चार ऑप्शन दिए हैं। अब उन चार ऑप्शनों में कौन सा सत्य है वो पता करना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम जानते हैं कि किसी भी प्रत्यावर्ती परिपथ में जो औसत शक्ति होती है उसका फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा, जो व्यय शक्ति होती है उसका इक्वेशन हमने पढ़ा के रखा। यदि आपने नहीं वो वीडियो देखा है तो वो वीडियो आपको लिंक में मिल जाएगी, आप वहां से जाके आप उसे आसानी से देख सकते हैं। चलिए अब हम जानते हैं जो व्यय शक्ति होती है एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, जो व्यय शक्ति होती है वो होती है P=VRMS×IRMS×cos φ। ये होता है किसी भी परिपथ में व्यय शक्ति का व्यंजक। अब हमारे पास प्यारे बच्चों यहां पर VRMS नहीं दिया है, VRMS के स्थान पे E के रूप में दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जानते हैं, अब यहां पर जो VRMS है उनको हम हटा दे रहे हैं, क्योंकि आपके पास VRMS नहीं है तो हम VRMS को हटा के क्या लगा दे रहे हैं, ERMS लगा दे रहे हैं, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब
ई आर एम एस को हम लिख सकते हैं ई नॉट कर्ली में टू, साथ में आई आर एम एस को भी लिखा जा सकता है आई नॉट कर्ली में टू इंटू क्या हो जाएगा कॉस फाई। ठीक, अब आप देखिए ई नॉट की भी वैल्यू आपको ई नॉट ही दी गई है, आई नॉट की भी वैल्यू आई नॉट ही दी गई है, केवल आपको यहां पर फाई की वैल्यू पकड़ना है कि फाई यहां कितना है, अर्थात वोल्टेज और धारा में कालांतर कितना है। तो अगर आप देख पा रहे होंगे प्यारे बच्चों, अगर हम यहां से बात करें ओमेगा टी आगे कुछ भी नहीं है, अगर हम जीरो लिखना चाहें, यानी हम कह सकते हैं कि जो वोल्टेज का जो कालांतर है वो शून्य है और जो धारा का कालांतर है वो माइनस पाई बाई टू है। यहां से देखिए ये ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, तो ये माइनस पाई बाई टू हो गया। बात समझ रहे हैं? अब आप समझिए कि ये भैया पाई टू, ये धारा में कालांतर पाई माइनस पाई बाई टू की है और जो वोल्टेज में कालांतर है आगे कुछ नहीं है अर्थात जीरो है। तो हम लिख सकते हैं ये चीज यहां लिख दे पी इक्वल टू, अब यहां पर समीकरण नंबर एक बना देते हैं। या अब चूंकि वोल्टेज व धारा या ई लिख लेते, वोल्टेज ग्रुप में ई है ना, तो ई व आई के बीच का जो कालांतर है, आई व बीच के जो आई ई व आई के बीच का कालांतर, अगर हम कालांतर की बात करें तो मान लेते हैं फाई, फाई इक्वल टू होगा फाई टू माइनस फाई वन। अब देखिए प्यारे बच्चों, फाई टू की वैल्यू शून्य है और माइनस फाइव वन की वैल्यू कितनी है माइनस पाई बाई टू है। अब माइनस माइनस का गुणा कर देंगे तो पाई बाई टू हो जाएगा, अर्थात समीकरण एक में इस फाई की वैल्यू पाई बाई टू मिला। अब समीकरण एक से हम हल कर सकते हैं, तो प्यारे बच्चों समीकरण एक से क्या आ जाएगा पी इक्वल टू ई नॉट बटे कर्ड़ी में टू इंटू क्या हो जाएगा आई नॉट कर्ड़ी में टू और साथ में कॉस फाइव, कॉस फाई, फाई के स्थान पे पाई बाई टू। हम जानते हैं प्यारे बच्चों चूंकि कॉस पाई बाई टू जो होता है वो जीरो के बराबर होता है, अर्थात जो व्यय शक्ति होगी वो क्या हो जाएगा शून्य के बराबर हो जाएगा। तो अब आपको जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा होगा, जो भी ऑप्शन यहाँ पर चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही दिखाई पड़ रहा है प्यारे बच्चों, चौथा है, तो जिसका शून्य होगा वही ऑप्शन नंबर सही है, अर्थात जो पहले का जवाब है वो चौथा ऑप्शन सही है। तो प्यारे बच्चों जो आई आपको चौथा दिखाई पड़ रहा होगा वही सही है, आप भी लगा लीजिएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, फिर हम इसके सेकेंड क्वेश्चन की चर्चा करें। तो गाइज पहले का अब ख नंबर आपको प्रश्न दिखाई पड़ रहा होगा, पहले का जो ख नंबर है वो आपको इस समय स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, जीरो केल्विन ताप पर, जीरो केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक होता है, ऑप्शन नंबर एक चालक, ऑप्शन नंबर दो प्रतिरोधक, ऑप्शन नंबर तीन शक्ति स्रोत, ऑप्शन नंबर चार विद्युत रोधी। तो प्यारे बच्चों हम बता देना चाहते हैं अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता है और ताप बढ़ाने पर धारा का प्रवाह उसमें शुरू हो जाता है। तो ये क्या बोल रहा है कि जीरो केल्विन पर, तो प्यारे बच्चों ताप तो एकदम कम है, जीरो है, तो हम कह सकते हैं कि जीरो केल्विन पे जो अर्धचालक होगा वो विद्युत रोधी होगा। क्या होगा? विद्युत रोधी। तो इसका जवाब हो जाएगा कि जीरो केल्विन पर कोई भी अर्धचालक जीरो केल्विन पर कोई भी अर्धचालक क्या होता है विद्युत रोधी होता, अर्थात इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होगा क्योंकि जो टेम्परेचर है वो जीरो केल्विन है। तो जो आप प्यारे बच्चों अब आपको पता चल गया होगा कि जो ऑप्शन नंबर जो है कौन सा ऑप्शन नंबर है प्यारे बच्चों, विद्युत रोधी लास्ट यानी आईवी चौथा नंबर। तो जो ख नंबर है ख का भी जो है आईवी नंबर जो है सही है, आप जो है वहां पर टिक लगा लीजिए कि विद्युत रोधी होता। आपको ग नंबर दिखाई पड़ रहा होगा, इसी का ग नंबर क्या करा, अच्छा सवाल है, आइए हम लोग इसको देखते हैं। वी इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले
इलेक्ट्रॉन से संबद्ध देव रावली तरंग दैर्ध्य लगभग कितना होगा, अर्थात लेमडा की वैल्यू बताना है प्यारे बच्चों, लेमडा क्या होगा। तो आइए हम देखते हैं, वी इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले, मतलब कहने का मतलब है कि उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग वी वोल्ट ऊर्जा दे चुके हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और संबद्ध दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का व्यंजक क्या होगा, तो ऑप्शन चार तो दिए गए हैं, आपको चारों ऑप्शन भी दिखाई पड़ रहे होंगे, अब उन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है वो हमको देखना है। चलिए, तो सबसे पहले वी इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले, जब किसी भी इलेक्ट्रॉन को, प्यारे बच्चों ये ग नंबर है ना, हाँ अब ध्यान से देखिएगा, जब आप किसी भी इलेक्ट्रॉन को वी वोल्ट ऊर्जा दे देते हैं, जब किसी भी इलेक्ट्रॉन को वी वोल्ट ऊर्जा देने पर, वी वोल्ट ऊर्जा देने पर जो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होती है, देने पर इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होती है, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा जो होती है वो के इक्वल टू होता है जितना आप वोल्ट ऊर्जा दे रहेंगे, के इक्वल टू ईवी होता है। ठीक, अब हम जानते हैं देव रॉगली ने बताया था जो किसी भी कण का जो तरंग दैर्ध्य होता है लैम्डा इक्वल टू एच अपान पी होता है, याद है। तो डी ब्रोगली के अनुसार जो लैम्डा होता है वो एच अपान पी के बराबर होता है। अब पी यहां संवेग होता है, एच प्लांक्स नियतांक होता है। अब जो पी होता है प्यारे बच्चों वो एम इंटू वी के बराबर होता है, पी जो होता है वो m इंटू क्या होता है, v के बराबर होता है। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है प्यारे बच्चों, ये आप बना लीजिए समीकरण नंबर एक। चलिए, अब हम जानते हैं जब इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होती है, इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होती है वो k इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक, हाफ एम वी स्क्वायर। क्या यहां से v की वैल्यू निकाल कर हम यहां रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, तभी तो काइनेटिक एनर्जी के पदों में आएगा। अब देखिए क्या होगा, दो का गुणा कर देते हैं प्यारे बच्चों, तो हो जाएगा 2k, दो का गुणा यहां किए और यम गुणा में था तो बटे में आ गए, बराबर वी स्क्वायर। यहां से स्क्वायर हटाओगे तो यहां करणी लगेगी, 2k बटे क्या आ जाएगा, यम बराबर वी। अब आपको लग रहा होगा कि सर जी ये एक एक नंबर का क्वेश्चन है, आप इतना लंबा क्यों बता रहे, फिर अच्छो बहुविकल्पी ही है, आपको वहां टिक ही लगाना पड़ेगा, परंतु बिना हल किए कैसे जान पाओगे कहां से आ रहा है ना, तो हल तो करना होगा। अब आप हल करके चाहे टिक लगा दो, चाहे आपकी इतनी प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर आप ये आपको आ रहा है तो ऐसे ही लगा दीजिए। ठीक, अब देखिए वी की वैल्यू समीकरण एक में रख देते हैं, समीकरण नंबर दो बना लो आप, तो समीकरण दो से V का मान समीकरण एक में रखने पर तो समीकरण एक क्या, लैम्डा इक्वल टू एच बटे यम, और यहां जहां V है ना, V के स्थान पे रखेंगे अंडर रूट टू के बटे कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, यम हो जाएगा, कितना हो जाएगा बटे यम, ये पूरा के पूरा अंडर रूट में है, ध्यान दीजिएगा। अब ये यम ऊपर पहुंच जाएगा, ये यम आपका ऊपर पहुंच जाएगा, इस बात को ध्यान देना। तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा इक्वल टू होगा अंडर रूट में यम, और क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, लैम्डा उसके बाद एच अपान अंडर रूट टू के इंटू यम। तो क्या आप इस यम को आप ऐसे नहीं लिख सकते, अंडर रूट एम गुणे अंडर रूट एम लिखा जा सकता, इस यम को हम लोग अंडर रूट एम गुणे यम लिख दिए, और साथ में आपका अंडर रूट टू के है ही। अब एक एक कैंसिल हो जाएगा तो लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा एच अपान अंडर रूट टू के, ये एच की वैल्यू आएगी, सॉरी ये लैम्डा की वैल्यू आ गई एच अपान टू अंडर रूट के। अब जो ये के है प्यारे बच्चों, के स्थान पर हम ईवी रख सकते हैं, तो रख दिया जाए एच अपान क्या आ जाएगा, एक देखिए एक आप अंडर रूट एम भी भूल गए, एक आप यहां पर अंडर रूट एम भूल चुके हैं, तो यहां पर आप ऐसे लिख दीजिए इनको, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों,
टू यम के। अब ध्यान दीजिए, यहां जो के है के स्थान पे ईवी रख सकते हैं, तो टू एम ई वी हो जाएगा अंडर रूट में। आइए अब सबकी केवल वैल्यू रखना है बस। तो एच का मान होता है 6.62 × 10^-34, ठीक, और पूरे के बटे अंडर रूट लगाएंगे। अब देखिए दो है, मास मास मतलब एम मतलब द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10^-31, ठीक। और ई की वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन पे आवेश 1.6 × 10^-19, और वी को रहने देते हैं क्योंकि वी तो वोल्ट हमने उनको दिए ही है, ठीक। अब इसी को आपको हल करना है प्यारे बच्चों, और इसी को आप हल करोगे तो लगभग आपका कितना आएगा, आइए हम थोड़ा सा हल कर लेते हैं। देखिए अब अगर प्यारे बच्चों आपको यहां से अंडर रूट हटाना है, तो अंडर रूट हटाने के लिए आपको वर्गमूल निकालना पड़ेगा इसका। तो चलिए ऊपर तो ऐसे ही रहने देते हैं, 6.62 × 10^-34 सही है। अब देखिए इनका इनसे गुणा कर दें, इनका कर दें, और 31 9, तो 31 9 40 और 40 10 50, पावर 50 आ जाएंगे, और इनका गुणा कर देते हैं। तो 2 × 9.1 × 1.6 = 31 19 जोड़ देंगे तो -50 आ जाएगा वी, ठीक। ये आ गए आपके। अब थोड़ा सा आप लोग कैलकुलेटर की मदद ले लेते हैं, परंतु आपको एग्जाम में कैलकुलेटर वहां उपलब्ध नहीं रहेगा प्यारे बच्चों, तो आप स्वयं से कीजिएगा जरा सा। तो गाइस जब आप इनका इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 29.12 आएगा। अब आप इनका वर्गमूल निकालेंगे तो 6.62 × 10^-34, ये तो आपका ऊपर रहेगा ही रहेगा, परंतु जब आप इनका वर्गमूल निकालोगे तो वर्गमूल निकालने के बाद क्या आएगा, 5.39, 5.39, और ये पावर्स का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 50 है, 50 पावर से निकल के आ जाएगा -25 × 10^-25। अब देखिए ये कट जाएगा प्यारे बच्चों, ऊपर 9 बचेगा और इनसे आपको केवल भाग करना है। तो थोड़ा सा एक नंबर का क्वेश्चन है, परंतु मैंने आपको पूर्ण रूप से बता दे रहे हैं कि कहां से क्या होता है। 6.62 / 5.39, तो भाग देंगे तो लगभग 1.2 द्वारा, यानी इनको हल करने पे 1.22 × 10^-9, और यहां जो वी है वो वी लगते आ रहा है, तो अंडर रूट में वी है क्योंकि वी का आपने वर्गमूल नहीं निकाला है, ठीक प्यारे बच्चों। अब ध्यान दीजिए लास्ट स्टेप आपका है, लास्ट उत्तर है। आप अगर देख पा रहे होंगे तो आपको ये जो उत्तर आपने प्राप्त किया है, ये जो उत्तर है ना, किसी भी ऑप्शन में नहीं मिल रहा होगा। तो आप देखिए सारे उत्तर एंगस्ट्रॉम में दिया है, आपने मीटर में प्राप्त किया है, तो मीटर में मीटर को एंगस्ट्रॉम में बदल देते हैं। तो अगर हम पॉइंट को एक अंक और आगे लेके जाए तो ये पावर -10 हो जाएगा, समझ रहे ना। तो पॉइंट को ज्यों ही एक अंक आप आगे लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, लैम्डा इक्वल टू, जब पॉइंट एक अंक आगे जाएगा 12 हो जाएगा, यहां पर 12.2 अपान कर्ड़ी में वी, और ये जो पावर है -9, ये पावर -10 हो जाएगा, और इसको हम एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं, तो 12.2 √V एंगस्ट्रॉम। ये आ गए लैम्डा की वैल्यू। और प्यारे बच्चों ये अब आपको विकल्प में दिखाई पड़ रहा होगा, और जो भी विकल्प होगा वो आप देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, मिला लीजिएगा प्यारे बच्चों। थोड़ा सा हम भी देख लेते हैं कि ये कौन से ऑप्शन पे दिया है, फिर उसके बाद हम बताते। तो प्यारे बच्चों इसका जो पहला ऑप्शन है वो मैच कर रहा है, तो आप पहले पे टिक लगा लीजिए कि जो लैम्डा है वो 12.27 अपान √V एंगस्ट्रॉम के बराबर होगा। तो आपका ये जो है ग नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है प्यारे बच्चों। स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो आप ले लीजिए बच्चों। जो पहले का जो घ नंबर है वो अब आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, क्या करा हम भी पढ़ते आप वहां से पढ़िए। परमाणु के अंदर जो अल्फा कण किस बल के कारण प्रकीर्णित होते हैं, इस बात को ध्यान से समझिएगा, परमाणु के अंदर अल्फा कण किस बल के कारण प्रकीर्णित होते हैं, अर्थात
जो अल्फा कण जब परमाणुओं के अंदर बमबारी कराया गया था, तो अल्फा कण किस बल के कारण अपने मार्ग से क्या हो गए थे, विचलित हो गए थे, वही चीज पूछ रहा। तो बहुत सारे कम से कम 80% बच्चे नाभिकीय बल पे टिक लगा के चले आते हैं। प्यारे बच्चों, आपको पता है नाभिकीय बल वो होता है जो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाद कर रखता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को नहीं पूछा है। ये पूछा है कि किसी भी परमाणु में जो अल्फा कण प्रकृत होते, प्रकृत का मतलब होता है अपने स्थान से हट जाना, टेढ़ा मेढ़ा जाना, जिस मार्ग से जा रहे थे उस मार्ग से नहीं गए, विचलित हो गए, तो किस बल के कारण होता है। तो प्यारे बच्चों, वो जो बल होता है वो होता है दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल को हम कहते हैं कूलाम बल, और उन्हीं बल के कारण वो अपने मार्ग से क्या हो जाता है, प्रकटित हो जाता है। तो याद रखिएगा कि जब कोई अल्फा कण किसी भी परमाणुओं से प्रकटित होगा तो हाँ नाभिकीय बल नहीं बल्कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, कूलाम बल। कौन सा बल, कूलाम बल। तो आपको ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा होगा कि कौन सा बल है। प्यारे बच्चों, ये जो कौन सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर था आपका घ, क्वेश्चन नंबर क्या था, घ, और घ में ऑप्शन नंबर जो है आपका थर्ड सही है, अर्थात कूलाम बल के कारण कोई भी अल्फा कण जो होता है वो जो है नाभिक से क्या हो जाता है, प्रकटित हो जाता है। तो आप टिक लगा लीजिएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं अंगा की, बात करते हैं प्यारे बच्चों अंगा नंबर का। अब अंगा नंबर क्या कहता है उसे आप ध्यान समझिए। कह रहा है विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में, विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में औरत विकिरण की आवृत्ति परास कितनी होगी, मतलब फ्रीक्वेंसी रेंज पूछ रहा है। और ये आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि औरत की कितनी होती है, पराबैंगनी की कितनी होती है, सूक्ष्म तरंगों की कितनी होती है। तो हर एक तरंगों की अपनी फ्रीक्वेंसी रेंज अलग अलग होती है। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया 3×10^14 हर्ट्ज से 3×10^16 हर्ट्ज। फिर उसके बाद सेकेंड ऑप्शन दिया 3×10^12 हर्ट्ज से 3×10^14 हर्ट्ज। तो जो ऑप्शन नंबर सेकेंड है प्यारे बच्चों वही आपका सही है, वो ऑप्शन नंबर जो सेकेंड है वो आपका सही है, क्योंकि जो औरक्त विकिरण होते हैं उनकी जो आवृत्ति रेंज होती है वो 3×10^12 से लेके 3×10^14 हर्ट्ज तक होता है। तो आप इस प्रकार आपका जो अंग नंबर था वो कंप्लीट होता है। अब जो नंबर है, जो छठवां प्रश्न है इसका, उसको हम देख लेते हैं वो आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि एक किरण पुंज वायु से जल में प्रवेश करता है, मतलब वायु से जल में, वायु आपका विरल है, जल आपका सघन है, तो कोई प्रकाश किरण पुंज का मतलब प्रकाश का समूह, कोई प्रकाश का समूह वायु से जल में प्रवेश करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा अपरिवर्तित रहेगा। प्यारे बच्चों, तो ध्यान देना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की वेग बदल जाता है। आपको पता है सघन में जाएगी तो प्रकाश की वेग पहले की तुलना में कम हो जाएगी। भाई सीधी से एग्जांपल मैं आपको एक बार पक्की रोड पे दौड़ा रहा था, एक बार एकदम कीचड़ वाले रोड पे दौड़ा दें तो आप कैसे दौड़ोगे। एक बार मैंने आपको कहा भाई सूखी सड़क पे दौड़ जाओ, एक बार मैंने आपको कहा कि एकदम पानी में दौड़ा तो आपकी चाल कम हो जाएगी ना। तो बस वही प्रोसेस होता है यहाँ पर भी। फिर आयाम भी घट जाता, अनुदैर्घ्य भी जो है घट जाती, अनुदैर्घ्य भी बदल जाते हैं, परंतु एक ऐसी चीज होती है जिसे आप फ्रीक्वेंसी कहते हैं, अर्थात कोई भी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी परिवर्तित नहीं होती। तो इसमें क्या पूछा, कौन सा अपरिवर्तित रहेगा, तो आवृत्ति है। तो यानी च का जो आई भी है वो ऑप्शन सही है, अर्थात चौथा नंबर प्रकाश किरण या प्रकाश किरण पुंज वायु से चाहे जल में जाए, चाहे किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए, तो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कभी चेंज नहीं होती। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आपका जो खंड अ था उसमें 6 प्रश्न बहुविकल्पी पूछे गए थे वो पूर्ण रूप से क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। परंतु भी खंड ख में भी एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, आइए हम उनको भी देख लेते हैं, फिर आगे की आज की क्लास को वहीं पर समाप्त कर देंगे। खंड ब में कौन कौन से हैं अब उन्हें हम देखेंगे। तो खंड ब का यानी आपको लिखना कैसे है, जैसे आप एग्जाम में पहुंचे पूरा कंप्लीट कर लिए, खंड अ का कंप्लीट कर लिए, अब खंड ब लिखना है। सबसे पहले आपको खंड ब लिख देना है, ऐसे लिख के कि अब हम लोग खंड ब करने जा रहे हैं। ठीक, अब खंड ब लिखने के बाद ऐसे लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 2 या प्रश्नोत्तर संख्या 2, प्रश्नोत्तर संख्या 2। अब आप प्रश्नोत्तर संख्या 2 लिख लिए,
अब दो का कौन सा कर रहे हैं, जैसे दो का क नंबर कर रहे हैं, ख नंबर कर रहे हैं, तो वो भी लिख दीजिए, लिखना चाहे तो आप लिख दीजिए दो का क नंबर हम करने जा रहे हैं, ठीक। इस प्रकार लिख के आप हल कीजिए, प्रश्न नहीं उतारना है, प्रश्न तो है सबके पास। अब देखिए जो दूसरे का जो क नंबर है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, परंतु उससे पहले स्क्रीन पे तो प्रश्न आपको दिखाई पड़ रहा है, तो लिखेंगे कहा, इसको हम लोग मूव कर लेते हैं ना, थोड़ा सा हटा लेते हैं तब बात करेंगे, आप तब तक प्रश्न देखते रहिए। तो आपने प्रश्न देखकर अनुमान लगा ही लिया होगा कि कितना सरल है, क्या ये क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया? जी बिल्कुल, ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपको समझ में आ जाना चाहिए क्या कह रहा होगा। क्या कह रहा कि एक अल्फा कण 15 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र में स्थित है। भाई एक अल्फा कण है और अल्फा कण का जो आवेश है वो 15 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति क्या है, कूलम है, विद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो ये अल्फा कण की वैल्यू नहीं दी है, ये दी गई है विद्युत क्षेत्र की वैल्यू, जिस विद्युत क्षेत्र में अल्फा कण स्थित है उसकी वैल्यू दी गई है, ई की वैल्यू। आगे कह रहा है उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए, उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए, और जो क्यू है वो क्यू मतलब अल्फा कण, क्यू कौन है, अल्फा कण है। और जानकारी के लिए बता दें जो अल्फा कण पे आवेश होता है प्यारे बच्चों वो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, अर्थात 2 × 1.6 × 10⁻⁹ गुणा कर देंगे तो 3.2 × 10⁻⁹ कूलाम का आवेश अल्फा कण पे पाया जाता है। अब आपको यह बताना है, अर्थात जब हम इस अल्फा कण को इस वाले विद्युत क्षेत्र में ले जाके रख देंगे तो उस अल्फा कण पे विद्युत क्षेत्र के द्वारा कितना बल लगेगा, वही आपको बताना है। तो फॉर्मूला आप जानते हैं, यह बराबर था Q into E, आता कहां से, E इक्वल टू आपको पढ़ाया गया होगा F upon Q। यदि आपने नहीं पढ़ाया तो आपको जाके इस टॉपिक को भी हमने पढ़ाया है, विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वो भी आपको लिंक में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप वहां से जाके इसको देख सकते हैं। तो देखिए अब Q की वैल्यू आपको दी गई है 3.2 × 10⁻⁹ और E की वैल्यू ऊपर है 15 × 10⁻⁴। चलिए अब 15 का गुणा करते हैं, 15 × 30, 15 × 3 = 45 और 45 × 3 = 48। अब एक अंक के बाद दशमलव गुणे 19 और 4 हो गए 10⁻³ हो गए। अब एक अंक आप इधर ले आ दीजिए, एक अंक आप पॉइंट को इधर ले आएंगे तो 4.8 वहां एक जुड़ जाएगा, तो 10⁻³ जब एक जुड़ेगा 23 + 1 क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो ये आ गया न्यूटन, तो ये आपका आंसर आया है, ठीक, कितना 4.8 × 10⁻²² न्यूटन। तो ये रहा खंड ब का जो है क नंबर, इस प्रकार आपका लगने वाला है। तो गाइस आपके क्वेश्चन में जो है यहां पर पावर प्लस दिया गया है, तो पावर अगर प्लस रहेगा तो आपको केवल अंतर यहां ये करना रहेगा, पावर प्लस हो जाएगा, 19 में जब 4 जोड़ोगे तो यहां -15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -15, और जब आप यहां से एक अंक इधर ले जाओगे तो 15 में एक जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 14 आ जाएगा, तो कितना आया 10⁻¹⁴ न्यूटन हो जाएगा। तो ये रहा आपका क नंबर, अब हम चर्चा करेंगे ख नंबर का, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ख नंबर क्या है, ख नंबर कह रहा है कि विद्युत फ्लक्स का क्या आशय है, आपको स्क्रीन पे प्रश्न दिखाई पड़ रहा है कि विद्युत फ्लक्स का क्या आशय है और इसका मात्रक लिखिए। प्यारे बच्चों इसकी फुल डिटेल जानकारी हमने पहले ही पढ़ा के रखा है, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो जाके देखिएगा, आपको लिंक में प्रोवाइड किया गया है इसका लिंक, आप वहां से देख लीजिए। और थोड़ी बहुत हम यहां बता देते हैं विद्युत फ्लक्स क्या होता है, विद्युत फ्लक्स होता क्या है, इधर देखिए, जैसे आपने कोई देखिए लिखना कैसे है भाई, पहले हम आपको बता देते हैं प्यारे बच्चों लिखना कैसे है। आपको हेडिंग बनाना है विद्युत फ्लक्स, क्या हेडिंग बनाना है, विद्युत फ्लक्स, ठीक। उसके बाद जितना देखिए जितना मार्क है उस हिसाब से लिखिए विद्युत फ्लक्स को, क्या लिखेंगे, किसी बंद पृष्ठ, कोई बंद पृष्ठ
ऐसे लिखने के बाद अब हम आपको समझा रहे। देखिए आपने क्या ले लिया, ये कोई बंद पृष्ठ ले लिया, ठीक। अब इस बंद पृष्ठ से जो विद्युत बल रेखा है गुजारोगे आप इसे, जब विद्युत क्षेत्र में बंद पृष्ठ को रखेंगे तो भाई ये सारी रेखाएं, ये जो सारी रेखाएं हैं, ये सारी रेखाएं जो है वैद्युत वैद्युत फ्लक्स नहीं कहलाएंगी, किसी बंद पृष्ठ के एकांक पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ के एकांक पृष्ठ से। एकांक का मतलब जैसे आपने एक छोटा सा खंड काट लिया, तो इस छोटे खंड से होकर गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाएं हैं ये और ये, यही दो जो है वैद्युत फ्लक्स कहलाएंगी, बाकी और कोई वैद्युत फ्लक्स नहीं कहलाएंगी, किसी बंद पृष्ठ के एकांक पृष्ठ से। क्या? किसी बंद पृष्ठ के एकांक पृष्ठ से अभिलंबवत या एकांक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली जो विद्युत बल रेखाएं होंगी वही। अरे देखो मैंने कहा कि ये एक छोटा सा खंड काट लेते, ये एक छोटा सा, तो मैंने कहा अगर इस पृष्ठ से S1, S2 और S3, तो मैंने कहा S1 पृष्ठ से होकर वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो यही दो होंगी, S2 से भी दो है, S3 से भी दो। मतलब ये नहीं कि भाई कि पूरे पृष्ठ से जो गुजर रही सारी वैद्युत फ्लक्स, नहीं भाई, ये किसी भी पृष्ठ के एक छोटे से खंड से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होगी वो वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। बात समझ में आ रहा? अब जो इसे फाई ई से, अब फाई ई इक्वल टू होता है, वैद्युत बल रेखाओं को ई से व्यक्त करते हैं, और छोटे से खंड का जो क्षेत्रफल है मान लेते हैं डीए, तो ई इंटू क्या हो गया डीए। मात्रक की चर्चा कर लें तो ई का मात्रक होता है न्यूटन बटे कूलम, और डीए यानी क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर, तो न्यूटन मीटर इसका प्रति कूलम, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या होता है कूलम। यही है प्यारे बच्चों फाई ई का मात्रक। तो इस प्रकार आपका जो ख नंबर क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चर्चा करते हैं ग नंबर की। ग नंबर आपको स्क्रीन पेज पे प्रश्न दिखाई पड़ रहा होगा, वो क्या कह रहा है उसे आप ध्यान से देखिएगा। कह रहा ओमी एवं अनओमी प्रतिरोधों के लिए वोल्टता तथा धारा के बीच ग्राफ खींचिए। ओमी एवं अनओमी प्रतिरोधों के लिए वोल्टेज तथा धारा के बीच। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले अगर हम बात कर ले ओमी प्रतिरोध और अनओमी प्रतिरोध, तो ओमी प्रतिरोध वे प्रतिरोध होते हैं जो ओम के नियम का पालन करते हैं, और जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं वो अनओमी प्रतिरोध कहलाते हैं। अब आप कहेंगे सर जी कैसे? तो भैया ध्यान दीजिएगा, ज्यों ज्यों वोल्टेज बढ़ाते चले जाइए, वोल्टेज बढ़ाने पे धारा का मान बढ़ेगा, ओम के नियम के अनुसार जो प्रतिरोध होता है वो वोल्टेज और धारा का अनुपात होता है। तो भाई देखिए अब जैसे ही वोल्टेज को इंक्रीज करोगे वैसे ही धारा बढ़ जाती है, अर्थात वोल्टेज बढ़ाने पे और धारा खुद बढ़ जाएगी, वोल्टेज बढ़ाने पे प्रतिरोध के अनुमान पर किसी भी प्रकार का प्रभाव न हो तो वो ओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। तो इसका जो ग्राफ होता है प्यारे बच्चों आप इस प्रकार बना सकते हैं, एक लाइन को आप आई दिखा दीजिएगा, एक लाइन को वी दिखा दीजिएगा, ये हो गई मूल बिंदु। अब देखिए इसके लिए आप एक सीधी रेखा खींच दीजिएगा, एक सीधी रेखा खींच देंगे तो ये जो सीधी रेखा होगी ये ओमी प्रतिरोध को व्यक्त करेगा, और अगर हम अनओमी प्रतिरोध के लिए बात कर लें तो ये आप आई लगा लीजिएगा, ये आप वी, और ये मूल बिंदु। तो अनओमी के लिए आप एक कोई भी टेढ़ी मेढ़ी एक कर्व रेखा बना दीजिए तो वो अनओमी प्रतिरोध होता है। ये कौन सा होगा? अनओमी प्रतिरोध हो जाएगा, अनओमी प्रतिरोध, और ये क्या हो जाएगा? ओमी प्रतिरोध। प्यारे बच्चों हमने तो केवल यहां आपको ग्राफ बना के बता दिया, आखिर आप कैसे होगा ओमी और कैसे होगा अनओमी ये सारी जानकारी मैंने इसको पढ़ाया है, आप वहां से जाके फुल इसकी डिटेल वाली जानकारी ले लीजिए। यहां पर इतना समझिए कि ये ओमी है, ये अनओमी है, ये ओमी है। अब ओमी कैसे है? ये ओम के नियम का पालन कर रहे हैं भैया, वो ओम के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये कौन सा नंबर है? ग नंबर है कि ख नंबर है? ग नंबर होगा। तो चलिए ये आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फुल जानकारी आपको लिंक में प्रोवाइड किया गया, आप वहां से आके देख सकते। अब प्यारे बच्चों जो दूसरे का घ नंबर है वो आपको स्क्रीन पेज पे इस समय दिखाई पड़ रहा होगा, आप वहां से देखिए।
दूसरे का जो घ नंबर है वो देखिए। अब जो घ नंबर है वो कह रहा है दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य को गतिज ऊर्जा के पदों में व्यक्त कीजिए। तो अभी हम लोगों ने जो इससे पहले खंड की बात किया था तो वहां पर दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य को गतिज ऊर्जा के पदों में व्यक्त किए थे। अब वही चीज फिर से करने वाले हैं प्यारे बच्चों। आपने प्रश्न देख ही लिया होगा, कह रहे हैं कि लैम्डा को दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य जो होता है आप उसको गतिज ऊर्जा के व्यंजक में व्यंजक के पदों में व्यक्त कीजिए। तो अभी हमने खंड पहले वाले जो खंड था उसमें हमने इसका बात की चर्चा किया था, ठीक। अगर आप लोग वहां पर नहीं देख पाए हैं तो आइए फिर से एक बार चर्चा कर लेते हैं, ठीक। तो हम जानते हैं जो लैम्डा होता है दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य होता है लैम्डा इक्वल टू होता है एच अपॉन पी। प्यारे बच्चों जो ये P होता है वो M into V के बराबर होता है। क्या हम यहां रख सकते हैं lambda equal to H बटे M V। क्या इतनी बात आपको क्लियर हुई? चलिए बढ़िया। समीकरण नंबर एक, अब हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होती है, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, तो इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होती है वो थी K इक्वल टू हाफ यम वी स्क्वायर, ठीक। अब यहां से V की वैल्यू निकालते हैं तो V की वैल्यू निकालेंगे तो आप आ जाएगा 2K बटे यम अंडर रूट में बराबर V। समीकरण नंबर दो, V की वैल्यू आप समीकरण एक में रख दीजिए बस। तो समीकरण दो से V का मान समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक ही है लैम्डा इक्वल टू एच यम तो है ही है, अब यम को रहने दीजिए और वी को रखिए, वी के स्थान पे आ जाएगा टू के बटे यम, ठीक। यम ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा अंडर रूट यम गुने एच हो जाएगा बटे यम, इस यम को हम कर्ली में एम गुणे एम लिख सकते हैं बिल्कुल, और गुणे टू के अंडर रूट टू के, ध्यान दीजिए। अब एक से एक कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा एच बटे टू एम के, और पूर्ण रूप से अंडर रूट लगा दिए। यही है दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का फार्मूला गतिज ऊर्जा के पदों में, जहां के गतिज ऊर्जा है, यम द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन का और एच प्लैंक्स नियतांक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, फिर हम आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस आपको स्क्रीन पे प्रश्न दिखाई पड़ रहा होगा, एक उत्तल लेंस के प्रत्येक वक्र पृष्ठ की जो त्रिज्या है वो 20 सेंटीमीटर है, अर्थात इसके लिए भी ये जो पृष्ठ है इसकी भी वक्रता त्रिज्या और इसकी भी वक्रता त्रिज्या, दोनों की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तथा लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक अर्थात n, लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक n की वैल्यू 1.5 दिया गया, ठीक। यदि लेंस को निम्नलिखित चित्रानुसार AB के अनुदिश काट दे, AB के अनुदिश क्या कर दे भैया, बांट दे, AB के अनुदिश इनका बंटवारा हो जाए, मतलब समझ रहे आप भैया, AB के अनुदिश का मतलब ये बीचों बीच काट दे तो एक लेंस इधर हो जाएगा, एक लेंस इधर हो जाएगा, एक उत्तल लेंस इधर तैयार हो जाएगा, एक अगला उत्तल लेंस उधर तैयार हो जाएगा, बात समझ रहे। यानी अगर हम आपको अलग अलग से चित्र दिखाना चाहें तो वो इस प्रकार हो जाए, एक लेंस इधर हो जाएगा, एक लेंस आपका इधर हो जाएगा, देखिए दोनों उत्तल लेंस हो जाएंगे, ठीक। तो उस समय क्या पूछ रहा है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। चलिए आराम से हम लोग ज्ञात करेंगे, बिल्कुल आसान सवाल है। देखिए इसमें तीन सवाल मैं आपको समझा दे रहा हूं प्यारे बच्चों, एक बार आप ए बी के अनुदिश काटोगे तो क्या होगा, और एक बार सी डी के अनुदिश काटोगे तो क्या होगा, और अभी दोनों जुड़े हैं तो क्या हो गया। हो सकता है कि आपसे अगले बार कोई और प्रश्न पूछ ले, तो मैं तीनों आपको सॉल्व कर दे रहा हूं भैया, एक बार सी डी के अनुदिश काटने पर, एक बार ए बी के अनुदिश काटने पर, और एक बार एक कौ के अनुदिश नहीं काटने पर, मतलब वैसे ही पड़े हों। तो पहले हम काटते नहीं, ऐसे ही निकाल लेते। तो प्यारे बच्चों अगर हम आपको बताएं, अगर ये जो सी है इसको बढ़ाकर हम यहां कर दें थोड़ी देर के लिए, ये सी हो गया, और ये डी को बढ़ा के हम यहां तक कर दे, तो कोई दिक्कत है आपके लिए? नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों। अब आप देखिए यहां से लेके यहां तक की जो दूरी होगी, यहां ये ओ इसका प्रकाशी केंद्र है, ठीक।
अब आप देखिए, यहां से लेके यहां तक की जो दूरी होगी वो आर टू वक्रता त्रिज्या होगी, यहां से लेके यहां तक की दूरी आर टू होगी। ठीक, बात समझिए जरा सा। और इस पृष्ठ के लिए, इस पृष्ठ के लिए यहां से लेके वहां तक की जो वक्रता त्रिज्या होगी वो आर वन होगी। अब आपको वक्रता त्रिज्या दी गई है, कितनी दी गई है भैया, कितनी दी गई है 20 सेंटीमीटर, कितनी दी गई है 20 सेंटीमीटर। तो चलिए अब आप सोचिए जरा सा, आप अगर इसे 60 तरीके से लगाना चाहते हैं तो भी लगा सकते हैं, आर इक्वल टू होता है 2f, आर इक्वल टू 2f। तो भैया अब आपको फोकस दूरी पूछी है ना, फोकस दूरी पूछी, आइए हम लोग निकालते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अब देखिए अगर हम माने तो यहां से लेके यहां तक की दूरी धनात्मक, यहां से लेके यहां, यहां से लेके यहां तक की दूरी ऋणात्मक, चिन्ह परिपाटी से दाएं तरफ की दूरी धनात्मक, बाएं तरफ की दूरी क्या हो गई, ऋणात्मक हो गई। क्या आप इतनी बात क्लियर हो रहा है, यानी आर वन आपका धनात्मक होगा, आर टू ऋणात्मक होगा। तो हम वैल्यू लिख सकते हैं, आर वन की वैल्यू 20 सेंटीमीटर होगा और आर टू की वैल्यू -20 सेंटीमीटर होगा। चलिए पहले हम आपके प्रश्नों का जवाब देते हैं कि एबी के अनुदिश काटने पर, एबी के अनुदिश काटने पर प्रत्येक की वक्रता त्रिज्या क्या होगी प्रत्येक लेंस की। तो चलिए पहले आपके क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं, तब हम आगे एक्स्ट्रा सीखेंगे। एबी के अनुदिश काटने पर, एबी के अनुदिश काटने पर पहले पहले पृष्ठ की फोकस दूरी, पहले पृष्ठ की फोकस दूरी, तो पहले जो पृष्ठ की फोकस दूरी आएगी उसके लिए R1, देखिए जब आप ये काटोगे, ये आधा कर दिए, पहले पृष्ठ की बात होगी तो भाई इसके लिए वक्रता त्रिज्या R1 हो जाएगी, तो R1 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। परंतु जो दूसरा पृष्ठ है यहां से लेके यहां तक, ये जो दूसरा पृष्ठ है इसके लिए ये तो काट के बाहर कर दिए ना, तो है ही नहीं, तो इसका वक्रता त्रिज्या काहेगा, इसका वक्रता त्रिज्या हो जाएगा 0। अब लेंस का सूत्र लगाएंगे, हम पढ़े हैं 1/f बराबर एन माइनस वन, फिर कोष्टक में 1/r1 -1/r2। प्यारे बच्चों इस फार्मूले का वीडियो बहुत जल्द ही सेकंड फिजिक्स में आपको मिलने वाली है, पूरा एकदम डिटेल्स एकदम मक्खन के जैसा क्लियर करेंगे। देखते हैं कहां ये कितना गजब क्वेश्चन है। अब देखिए n की वैल्यू दी गई है 1.5, अब 1 हो गया, फिर 1/r1, आर वन की वैल्यू 20 है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/20 हो जाएगा। देखिए 1.5 में से 1 घटाएंगे तो 0.5 आएगा, हर बराबर है तो जुड़ जाएगा अंश, 1 1 2 हो जाएगा, तो 2/ कितना हो जाएगा 20। ये पॉइंट काट के 10 आ गए, अब 5 के 5, 5 2 10, 2 1 2 कट गए कि नहीं। पहले बच्चों यहां, अरे सॉरी, देखिए आप आर टू की वैल्यू 0 है, R2 की वैल्यू यहां 0 है, आप यही गलती कर रहे थे। तो यहां देखिए ये तो माइनस ही रहेगा और माइनस रहने से मतलब कुछ भी नहीं है प्यारे बच्चों, 1/20 में से 0 घटा देंगे तो 1/20 ही बचेगा। देखिए ये एक, यहां देखिए तो 1.5 में से 1 घटाए तो 0.5 आया, गुणे आ गया 1/20, ये पॉइंट काट के 10 लग गए। अब देखिए 5 के 5, 5 4 कितने आ गए 20, 4 10 में कितने आ गए 40, 1/40 1/f क्रॉस मल्टीप्लाई, तो f बराबर क्या आ गया 40 सेंटीमीटर। तो अगर बात करें प्यारे बच्चों तो अगले का भी 40 सेंटीमीटर ही आएगा। क्यों अगले का 40 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि दोनों की वक्रता त्रिज्या समान है, दोनों की वक्रता त्रिज्या समान है, इसलिए अगले की भी जो आपकी आएगी फोकस दूरी वो 40 सेंटीमीटर आएगी। क्या इतनी बात क्लियर हो रही, तो लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं ठीक। ये रहा प्यारे बच्चों आपके प्रश्नों का जवाब, यानी फोकस दूरी, प्रत्येक की फोकस दूरी क्या हो जाएगी 40 सेंटीमीटर। परंतु अगर हम आपसे कहें कि इन दोनों को ना बांटे, इन दोनों को ना काटे, तो यहां पर आप इसको लगा सकते हैं 1/f बराबर n माइनस वन। ये अगर हम दोनों को ना बांटे तो क्या हो जाएगा 1/f बराबर, 1/f बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों जानते हैं, ये एक में यहां से घटा देंगे तो 0.5 गुणे, यहां तो आपका 1/20 है ठीक, अभी माइनस, फिर आर टू की वैल्यू -20 हो जाएगी, तो प्लस 1/20 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब
इन्हीं को हल करना है। तो 0.5 हल कर देंगे तो 2/20 आ जाएगा, तो ये कैंसिल, 1/1 कितना आ जाएगा 10, ये पॉइंट काट के 10, तो क्या आ जाएगा, तो 5 के 5, 5 दुनी 10, 10 दुनी 20, तो 1/20, यानी यह बराबर क्या आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, यह बराबर 20 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों, जब आप इस लेंस को नहीं काटोगे, लेंस का बंटवारा नहीं करोगे, तो इस सूत्र से हल करोगे प्यारे बच्चों, तो यफ की वैल्यू 20 सेंटीमीटर आएगी। मतलब जब दो भागों में नहीं बांटोगे तो फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर होगी, या दो भागों में बांट दोगे तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब आप जरा सा समझिए कि अगर हम सीडी के अनुदिश बंटवारा कर दें, मतलब आधा उधर कर दें आधा इधर कर दें, तो भैया जब सीडी के अनुदिश बंटवारा कर दोगे ना, तो एक बात जरा सा कान में बैठा लो, तब फोकस दूरी में कोई भी बदलाव नहीं होगा, अर्थात फोकस दूरी सेम टू सेम यही वाला रहने वाला 20 सेंटीमीटर। परंतु प्रकाश की तीव्रताएं क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। परंतु प्रकाश की तीव्रताएं क्या हो जाएंगी, सॉरी सॉरी गाइस, प्रकाश की तीव्रता घट जाएगी। क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अब कैसे, सोचिए अभी पूरा लेंस बंटवारा नहीं हुआ, ऐसे 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 सभी प्रकाश किरणें जा रही हैं। अब जब आप इनको ऐसे आधे में बांट दियो, और ये वाले ऐसे जुड़ गए, ये वाले ऐसे जुड़ गए, जब आप आधे में बांट दिए, इतने प्रकाश किरणें जा रही ना, इतना तो आधे से निकल रही है, तो प्रकाश की तीव्रता क्या हो गई, घट गई। तो जब हम सीडी के अनुदिश बांटते हैं तो फोकस दूरी में कोई बदलाव नहीं होता, परंतु तीव्रता प्रकाश की घट जाती है, और एबी के अनुदिश बांटते हैं तो फोकस दूरी 40 40 सेंटीमीटर हो जाता है, और नहीं बांटते तो फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको यहां तीनों प्रकार से क्वेश्चन क्लियर कर दिए। आई होप कि आपको ये, यहां से जब प्रश्न पूछेगा तो आप तोड़ के नहीं, उसको तोड़ मरोड़ मरोड़ के ऐसा मरोड़ के आओगे ना कि एग्जाम में आपका कोई नंबर आपके हाथों से नहीं ले जा सकता प्यारे बच्चों। चलिए एक स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए आप, हम इसके लास्ट क्वेश्चन की, और इस सेशन की, इस क्लास की लास्ट सवाल रहने वाला है। तो गाइस आपको प्रश्न नंबर दूसरे का च दिखाई पड़ रहा होगा स्क्रीन पे। एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए, और दिया गया है 9वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। यानी सोचिए जरा सा, हाइड्रोजन परमाणु की इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दी गई है, और आपको साथ में कह रहा है कोणीय संवेग ज्ञात करना, और 9वीं कक्षा में। तो मान लेते हैं जो हाइड्रोजन परमाणु का उत्तेजित अवस्था है वो 9वीं कक्षा है, बस यही करना है। माना हाइड्रोजन परमाणु का उत्तेजित अवस्था की कक्षा, अवस्था की कक्षा कौन है, यन है, कौन है, यन है, यन है। तो भैया प्रश्नानुसार देखें तो 9वीं कक्षा की जो ऊर्जा है, 9वीं कक्षा की ऊर्जा जो है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और साथ में गाइस ये उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा है, और आपको 9वीं कक्षा ही आपने उत्तेजित अवस्था माना है, तो 9वीं कक्षा की ऊर्जा भी उधर दिया गया, कितना दिया गया, -13.6/n² ev। ईवी ईवी से क्या हो गई भाई, विदाई, यन स्क्वायर को बुला लाओ इधर, माइनस माइनस से कैंसिल कर दीजिए, तो एन स्क्वायर बराबर आ जाएगा 13.6/3.4। देखिए तो आप इसको कटाओगे तो भाई 4 आ जाएगा एन स्क्वायर, अब इधर से स्क्वायर हटाओगे इसका वर्गमूल निकल जाएगा, तो यानी दूसरी कक्षा, यानी जो वो कक्षा कौन सी रहने वाली, दूसरी कक्षा रहने वाली प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार आपका जो 6 नंबर क्वेश्चन है वो आपका कंप्लीट होता है, खंड अ और खंड ब हम लोगों ने सॉल्व कर लिया प्यारे बच्चों। अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर जी फुल का ही सॉल्व नहीं करा रहे हैं, तो प्यारे बच्चों 1 महीने के बाद लगभग हम लोग सेकेंड फिजिक्स को कुछ कंप्लीट कर लेंगे, तो जो इसके बचे हुए पोर्शन आएंगे वो सॉल्व करा दिए जाएंगे, कहीं भी भटकना नहीं है आपको, सारा फिजिक्स का सारा समाधान यहां मिलने वाला है। तब तक के लिए वीडियो देखिए और दोस्तों के पास जबरदस्त शेयर कीजिएगा प्यारे बच्चों। कम से कम टारगेट है कि ये वीडियो आप सब लोगों को मिलजुल के, आप सबके सपोर्ट से ये वीडियो कम से कम 1000 पार जाना चाहिए व्यूज के मामले में। तब तक के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, परंतु आप इस टारगेट को भूलिएगा मत। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।